ओम सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम है विशाल आर्य। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग। तो आज हम आगे की दो प्रकृतियों यानी मिक्स प्रकृतियों के बारे में बात करेंगे। मिक्स प्रकृति के बारे में मैंने जैसा आपको बता दिया था कि आयुर्वेद में कोई विस्तार से उल्लेख नहीं है। हाँ, जो दोनों चीज में पाया जाता है उन्हीं का मिक्स रूप या सम्मिलित रूप इनमें पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे वात और पित्त की। वात पित्त प्रकृति में भी दो चीजें हो सकती हैं, यानी कि वात डोमिनेंट हो सकता है या किसी में कफ डोमिनेंट हो सकता है, यानी कि वात की प्रबलता ज्यादा या कफ की सॉरी वात की प्रबलता ज्यादा या पित्त कफ नहीं, वात या पित्त दोनों में से कोई एक डोमिनेंट हो सकता है। तो उसमें उसके लक्षण ज्यादा दिखेंगे जो डोमिनेंट है और उसके कम दिखेंगे जो नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है पित्त और वात यानी पित्त किस चीज से बना है, अग्नि प्लस जल से, और वात आकाश प्लस वायु। ये इसके जो महाभूत हैं पांच, इनमें से ये इस चीजों से बने हुए हैं। तो इसमें जो पित्त और वात प्रकृति है इनकी जो हम ऊपर शारीरिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हम जैसे बालों से शुरू करते हैं, तो आपको मालूम ही है वात और पित्त के बाल तो जल्दी ही झड़ जाते हैं। तो इनके बाल भी ऐसे ही होते हैं, ये इनके बाल तो ड्राई यानी कि रूखे होंगे, वो वात का नेचर होगा, रूखे होंगे, जल्दी झड़ जाएंगे, सफेद हो जाएंगे या कम होंगे, झड़ जाएंगे तो कम ही होंगे। तो इस प्रकार से इनका बालों का स्ट्रक्चर होता है। फिर बात करें आंखों की, तो आंखें छोटी होती हैं और आंखों में हो सकता है गर्मी भी लगे, क्योंकि पित्त यदि है तो उसमें गर्मी लगने का, सभी के नहीं, जिसमें डोमिनेंट हो पित्त तो उसमें गर्मी लगने का पूरी पूरी आशंका है। और स्किन की बात करें तो इनकी चमड़ी जो होती है वात और पित्त की वजह से पतली होती है, और ड्राइनेस होता है वात के वजह से और पित्त की वजह से इसमें गर्मी होती है, चमड़ी गर्म चमड़ी होती है। और हो सके तो इनकी चमड़ी पे छोटे 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 जो तिल होते हैं वो हो सकते हैं, पूरी इनके हर जगह, मतलब हर जगह के मतलब हुआ कि ज्यादातर इनके तिल होएंगे। और इनके हम बात करेंगे भूख प्यास के बारे में, तो जो भूख है भूख इनको लगती तो अच्छी लगती, पाचन भी अच्छा होता क्योंकि पित्त होता है, लेकिन जो इनका जो मल मल मूत्र है उसमें जो है मल कड़क होता है, क्योंकि जो वात है वात का स्थान तो नाभि से नीचे जो डोमिनेंट स्थान है वो पाया जाता है, तो वहां वो पाचन तो ठीक हो जाता है आपका, लेकिन पाचन के बाद जो मल मूत्र है वो वात उसको सुखा देता है, सुखाने के बाद वो कड़क हो जाता है मल। और मूत्र की बात करें तो उसमें भी जिसको कम पेशाब आता हो या थोड़ा थोड़ा आता हो तो वो इस नेचर में आ सकता है। फिर एक चीज समझ लीजिए कि वात और पित्त इन चीजों में से आपने कभी देखा होगा कि जो गर्म और ठंडा, किसी किसी को क्या होता है कि गर्म खाने से भी दिक्कत हो जाती है और ठंडा खाने से भी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म जो है पित्त है तो पित्त पे असर करेगा यानी पित्त को बढ़ा देगा तो तकलीफ हो जाएगी, ठंडा खाएंगे तो वात बढ़ जाएगा, वात बढ़ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि गर्म और ठंडा खाने से भी सही हो जाता है, यानी मतलब तकलीफ कम हो जाती है या कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि जो गर्म चीज है वात को शमन कर देती है और जो ठंडी चीज है वो पित्त का शमन कर देती है। तो ये मिक्स प्रकृति में बहुत गड़बड़ झाल होता है, मतलब मिक्स प्रकृति अच्छी नहीं मानी जाती है इसीलिए। तो फिर इसमें हम आगे बात करें कि इनको गर्म और ठंडे दोनों से तकलीफ हो जाती है और गर्म और ठंडे दोनों से भी इनको कुछ नहीं होता, ऐसा समझ लीजिए। और इनमें मेन नेचर आपको जानने के लिए चंचलता, जो वात के कारण चंचलता होगी और पित्त के कारण गर्मी होगी, ये दो चीज होगी। ऐसे लोग जो चंचल होंगे और गर्म स्वभाव के भी होंगे, यानी वात और पित्त दोनों का गुण दर्शे जिसमें। और फिर हम आगे बात करते हैं खान पीन में कि इनको मतलब खट्टा खट्टा खाने से पित्त बढ़ जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, और वात ठंडा खाने से।
यानी कि तीखा खाने से बढ़ जाएगा, सॉरी तीखा खाने से और खट्टा खाने से, एक से पित्त बढ़ जाएगा एक से वात बढ़ जाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी। फिर क्या हुआ, मीठा, मीठा दोनों का शमन करता है, तो मीठा खाने से जिनको आराम मिले, यानी सीधी सीधी सी बात है, खट्टा और तीखा खाने से तकलीफ हो और मीठा खाने से आराम मिले, ऐसे लोग इस नेचर में आते हैं। तो ये जो शारीरिक और ऊपर के जो गुण हैं, मानसिक तो नहीं, मानसिक के बारे में बाद में बात करेंगे, तो ये वात और पित्त प्रकृति वालों में ये दिखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन से गुण आपसे या आपके आसपास या घर परिवार में जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस नेचर का व्यक्ति है। फिर हम आगे बात करेंगे, और अभी एक मिक्स प्रकृति बची है, और उसके बाद सम प्रकृति होती है, जो तीनों समान समरूप होते हैं वो बढ़िया प्रकृति मानी जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसी जानकारियों के लिए आप सब्सक्राइब करने को नहीं कहूँगा मैं इस चैनल को, ऐसी जानकारियों के लिए यदि आपके अंदर इच्छा है, देश प्रेम है, अपने संस्कृति और अपने पुराने जो हमारे महापुरुषों का ज्ञान है, किस आधारित वो जीते थे, इतने लंबे काल तक जीते आए हैं, इस चीज जानने को आपके अंदर थोड़ा बहुत भी इच्छा है, तो आप इस चैनल को देखिए यदि इच्छा हो तो, अन्यथा मत देखिए, ये तो आपके ऊपर ही है। और आगे इस चीज़ को बढ़ाना चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। जय श्री राम। सादर।